फ्राइंग पैन चढ़ाया है और कुछ फ्राइड आइटम खाने का मूड हो रहा था, तो शोर का इग्नोर कीजिएगा। एक्चुअली हवा के लिए मैंने खिड़की खोली हुई है, तो ये मून सलवा के जो है ना चिकन फ्राइज मैंने थोड़े से निकाले हैं। ये तो खैर मेरे बेटे के मोस्ट फेवरेट आइटम्स हैं। अब अपने लिए मैं सोच रही हूँ, पालक के पकौड़े तो थोड़े से बने हुए हैं, तो कुछ एक आध आइटम और निकाल लेते हैं फ्राई करने के लिए। सर मैं सोचती हूँ मैं क्या बनाऊँ। ओके जी, फ्रीज़र से मैं अब सर्च करने आई हूँ कि कौन सा फ्राइड आइटम मैं निकालूँ और फ्राई करूँ, क्योंकि समोसे ख़त्म हो चुके हैं। चलो लेट्स सी। छोले तो ऑयल हुए रखे हुए हैं, लेकिन उसके अलावा जो है क्या तरीका करेगा, अलावा जो है छोले बॉयल हुए रखे हैं, जो छोले का नाम समोसों की पट्टियाँ लाई थी, बैठे वो पुराने जो मैंने समोसे बनाए थे वो एंड हो गए। अभी समोसों की पट्टियाँ मेरे हाथ लग गई हैं, फ्रोजन है, थोड़ी देर बाहर रखूँगी तो थोड़ी नरम हो जाएंगी, तो इससे फिर मैं कुछ देखूँगी, कुछ जो भी मसाला वगैरह भर के कुछ इमीडिएटली कुछ थोड़ा बहुत तल लेती हूँ मैं इसको, बॉक्स समोसा बना के बाकी की मैं दोबारा फ्रीज़र में रख दूँगी, काम आ जाएंगे मेरे। बस इनके जो अंदर है कुछ ना कुछ मैं फिलिंग करके फ्राई करती हूँ, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए बाहर रखती हूँ। यहाँ पे जो चिकन फिंगर है ये गोल्डन होना शुरू हो गए हैं, तो इनको टर्न कर लेते हैं। और समोसों की पट्टियाँ एज यू कैन सी मैंने ये बॉक्स समोसा के लिए स्क्वायर फॉर्म में बिछा दी हैं। नाउ आई विल फिल एनी टाइप ऑफ फिलिंग लाइक चिकन और एनीथिंग विच आई हैव इन द फ्रीजर। में मैं इसमें थोड़ा सा चॉप हुआ प्याज लिया और सफ़ेद चने लिए हैं मैंने, और ये अब मैं जो है इसके सेंटर में रख दूँगी, और इस पर थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर छिड़क के और इसका समोसा जो है मैं रेडी कर दूँगी। ये एक यूनिक टाइप ऑफ फिलिंग हो जाएगी, ठीक है, और इसको ऐसे रख के घी से जो है इसको क्लोज करूँगी। घी लिया है मैंने थोड़ा सा, चने थोड़े से प्रेस कर लेंगे घी निकल ना जाए, घी ले लूँगी, मैंने थोड़ा सा घी ऐड किया है, ठीक है। उसके बाद ऐसे थोड़ा सा घी इस साइड पे भी लगा देंगे, और इसके बाद कोशिश करके हम बॉक्स समोसा इसका बना लेंगे। एक समोसा ही चना और प्याज और सॉल्ट एंड पेपर का हमारा रेडी हो गया। फिंगर ये जो चिकन फिंगर्स थे मून सलवा के ऑलमोस्ट फ्राई हो गए, तो एक साइड पे हम इनको जो है डिश आउट कर लेंगे। बहुत टेस्टी होते हैं, मेरा बेटा तो केचप के साथ ग्रीन चटनी के साथ में और मायोनीज वगैरह डाल के इसके ऊपर ऐड करके और वो खाता है। समोसा जो है मैं चेंज के लिए तो बना रही हूँ, थोड़ी सी बॉइल्ड श्रेडेड चिकन ली है मैंने, उबली हुई और मैश की हुई चिकन, ये इसके सेंटर में रख दूँगी, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी और आई विल शो यू के मज़ीद क्या मैं इसमें ऐड करती हूँ। चिकन मैंने इसमें रखने के बाद ऐड करने के बाद इस समोसे में थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, थोड़ा सा, ठीक है, लाइट सा, और इसके बाद जो है ये इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे सूख मिर्च पाउडर को, और इसके बाद ये मिक्स्ड हर्ब्स हैं, ये थोड़े थोड़े जो है ना अलग अलग फिलिंग के समोसे बना रहे हैं, मिक्स्ड हर्ब्स भी हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा, एंड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, और ये सेकंड भी जो है हमारा समोसा रेडी हो गया, ठीक है। एक हमने चने सफ़ेद चने प्याज सॉल्ट एंड पेपर का बनाया, एक ही डिफरेंट तरीके से मैं चिकन एंड मिक्स्ड हर्ब्स वगैरह का बना रहा हूँ। जी है जो हमारे दोनों समोसे हैं
चिकन और सफ़ेद चना वाले दोनों अलग अलग फिलिंग के, इनको हम फ्राइंग के लिए रख देंगे। इसी टाइप की फिलिंग में हमने क्या ऐड किया है, ये भी डिफरेंट फिलिंग है। तो मैंने चिकन, वही बॉइल्ड चिकन लिया है, लाल मिर्च पाउडर डाला है। अब मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी, वाइट सॉल्ट, और इसके बाद ये थोड़ा सा इसमें जो है अजीनो मोटो जाएगा, थोड़ा सा ज़ीरा, पिंच ऑफ ज़ीरा, एंड इसको हम समोसा की शेप दे देंगे। तो ये चिकन ही से तीसरी टाइप की फिलिंग का समोसा हमारा रेडी हो जाएगा। थ्री टाइप्स ऑफ समोसा की फिलिंग मैंने जो है यहाँ पर रेडी की है, डिफरेंट टेस्ट की। इसे समोसे को भी हम फ्राइंग के लिए रख देंगे। और एक जो है ये पट्टी जो बच गई है, इससे मैं एक जो है ये एम्प्टी समोसा फ्राई करूँगी। ठीक है, एम्प्टी समोसा कभी अपना एक मज़ा होता है चटनी वगैरह के साथ खाने के लिए। एक जो है ये एम्प्टी समोसा भी मैं सिर्फ पट्टी को जो पेट के ये जो है घी वगैरह लगा के, घी से मैंने इसको जो है वो अटैच किया है घी लगा के, और एक एम्प्टी समोसा भी बनाने के लिए मैं। तो ये चार तरह के हमारे समोसे हो गए। साइड से हम ना गोल्डन हो गए, फ्लिप कर लेते हैं इनको, समोसा को बड़ा गोल्डन कलर। और समोसा जो पहले फर्स्ट बैच में हमने डाले थे चने, सफ़ेद चने और चिकन वाले, वो जल्दी गोल्डन हो गए हैं। सेकंड बैच विल टेक टाइम टू टर्न गोल्डन। समोसे हमारे ऑलमोस्ट गोल्डन हो गए हैं, इनको हम डिश ऑफ कर लेते हैं। इनमें थोड़ी सी कसर है, लेट मी चेक, ऑलमोस्ट हो गए हैं ये भी गोल्डन। ये देखिए क्या गोल्डन समोसे तैयार है, सुनहरी सुनहरी। थोड़े से पालक के पकौड़े भी मैंने बनाए हुए थे, ये पालक के पकौड़े भी हम ऐड कर देंगे। तो ये प्यारी सी ट्रे आप देख सकते हैं जो मैंने रेडी की है कार के लिए, समोसे और पालक के पकौड़े और ये मूंगसलवा के चिकन फिंगर्स। तो ज़बरदस्त सी हमारी अफ्तार की ट्रे छोटी सी रेडी हो गई है फ्राइड आइटम से। तो नेक्स्ट जो है ये हमारी ट्रे रेडी हो गई है, समोसे, मूंगसलवा, चिकन फिंगर्स एंड पालक के पकौड़े। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि ये फ्राइड आइटम्स के साथ थोड़ी थोड़ी सी चटनियाँ ले लेते हैं। एक ही ग्रीन चटनी ले लेते हैं, फ्राइड आइटम्स चटनियों के बगैर नामुकम्मल हैं। ग्रीन चटनी ले लेंगे हम थोड़ी सी, और इसके साथ ही साथ थोड़ा सा मायोनीज ले लेंगे। मुझे ना सॉसेस और इन चीज़ों के साथ ही फ्राइड आइटम खाने बहुत ही अच्छे लगते हैं। लॉट्स ऑफ मायोनीज एंड लास्ट में हम ले लेंगे चिली गार्लिक सॉस। तो ये दो तीन तरह की हमारी चटनियाँ भी हो गई पकौड़ों वगैरह के साथ। ठीक है जी, थ्री टाइप्स ऑफ चटनी, मायो, ग्रीन चटनी एंड चिली गार्लिक सॉस। एज यू कैन सी इफ्तार टेबल इज रेडी, और सब चीज़ें जो हैं मैंने बहुत दिल से और मोहब्बत से बनाई हैं। फ्राइड आइटम्स हैं, सॉसेज हैं, फ्रूट चाट मैंने रेडी कर ली थी, और मिठाई है। आई विल गिव यू द क्लोज। दिस इज़ माई टूडेज अफ्तारी, और यहाँ से आइटम्स शुरू करते हैं हम। सबसे पहले ये मिठाई मैं थोड़ी सी लेके आई थी, ये ढाका चमचम कहलाती है, ब्राउन चमचम, और बर्फ़ी ली थी मैंने, और थोड़ी सी फ्रूट चाट रेडी की थी मैंने, शुगर ऊपर जो है ऐड की है, थोड़ी सी डेट्स ली थी मैंने। सॉसेज हैं हमारी, और ये हमारी फ्राइड आइटम्स की ट्रे है, पालक पकौड़ा, चिकन फिंगर्स एंड डिफरेंट समोसास विद डिफरेंट फिलिंग्स। एंड ऑल्सो ये मौसम्बी का टैंक बना लिया, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक ले लिया।